नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर कटघोरा में प्रशासन की टीम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, एक घंटे में वसूले 20,000 रुपए का जुर्माना। कोरबा के कटघोरा में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, दुकानों में ग्राहक मिले बिना मास्क के तो दुकान मालिकों को भरना पड़ा जुर्माना। महज कुछ घंटों में जांच दल ने वसूले 20,000 रुपए। वैश्विक महामारी कोविड 19 ने एक तरफ जहां आम लोगों को गहरा स्वास्थ्य संबंधी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं दूसरी ओर अब कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों को बतौर जुर्माना तगड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। प्रदेश के सबसे पहले कोरोना हॉटस्पॉट कटघोरा में कोरोना की आहट की खबर से प्रशासन सतर्क हो गया है। कोविड वायरस उन्मूलन और हालात को काबू में रखने के मकसद से कोविड गाइडलाइंस को फिर से प्रभावी कर दिया गया है। शहर के दुकानदार और आम लोग इन प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी अभिषेक शर्मा अपनी टीम के साथ कार्रवाई करने सड़कों पर निकले थे। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार रोहित सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जेबी सिंह और राजस्व व नगरीय निकाय का पूरा अमला भी साथ था। अफसरों के इस औचक आमद की खबर पाते ही दुकानदारों और वाहन चालकों में मानो हड़कंप मच गया। नगरीय प्रशासन कर्मियों ने बताया कि एसडीएम अभिषेक शर्मा के निर्देश व तहसीलदार रोहित सिंह व सीएमओ जेबी सिंह के मार्गदर्शन में शहर के दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में लोग मास्क पहने हुए नजर आए, जबकि कुछ बड़े दुकान, शॉपिंग सेंटर, श्रृंगार सदन और होटलों में किसी भी तरह की जागरूकता देखने को नहीं मिली। यहां ग्राहक और मालिक बेपरवाही से खरीदी बिक्री करते नजर आए। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मरहन साहू की रिपोर्ट। वैदिक मंत्रोच्चार से केंदई आश्रम में 70 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। स्वामी भजनानंद आश्रम केंदई में श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के समापन पर सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 70 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंध गए। सामूहिक विवाह का यह खास आयोजन कोरबा जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंदई जलप्रपात पर बने स्वामी भजनानंद वनवासी सेवा आश्रम में आयोजित हुआ, जहां जाति और समाज का भी कोई बंधन न था। रूढ़िवाद की बेड़िया तोड़कर गरीब तबके के आने वाले प्रेमी जोड़े भी सात फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए एक हो गए। आश्रम में सामूहिक विवाह के आयोजन का यह लगातार 21वां वर्ष है, जिसकी ख्याति ऐसी है कि अमेरिका से भी लोग कन्यादान करने पहुंचते हैं। कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में केंदई में स्वामी भजनानंद आश्रम स्थित है। स्वामी शारदानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में पिछले 2 दशक से लगातार साल में एक बार जरूरतमंद युवक युवतियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह का मंडप सजाया जाता है। आश्रम में 20 वर्षों से हो रहा निर्धन कन्याओं का विवाह स्वामी भजनानंद आश्रम केंदई में सेवा दे रही गिरजा देवी ने जानकारी दी कि यहां लगभग 20 वर्षों से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां 70 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। नए जोड़े को आश्रम की ओर से प्रारंभिक आवश्यकताओं की जरूरी सामानों को भेंट स्वरूप दिया जाता है। आश्रम में निर्धन कन्याओं के लिए यह आयोजन किया जाता है, जो परिवार शादी करने में सक्षम नहीं और कर्ज लेने के लिए अपनी जमीन तक बेच देते हैं। यह सब न हो, इसलिए जरूरतमंद परिवार की मदद स्वामी भजनानंद आश्रम के द्वारा की जाती है, जिससे उनकी कन्याओं का विवाह हो सके। हम भी सक्षम हुए और हमें भी अवसर प्राप्त हुआ है विवाह में, विवाह अपना संपन्न कराने का। महाराज जी की कृपा से हर अच्छा आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा से, और ऐसी सामाजिक कार्य होते रहना चाहिए, यहाँ हर साल होते रहते हैं। मैं तो यहाँ 20 साल से रहती हूँ और 20 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। यज्ञ तो और भी पहले से चल रहे हैं, बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि गरीब लोग हैं, सब गरीब हैं, कर्ज करके शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह तो करना ही होता है, तो गरीबी के कारण वो जो कर्ज लेते हैं या खेत गिरवी रखते हैं अन्य, उन सबसे तो उनको मुक्ति मिलती है ना। 70 जोड़े शामिल हैं, 70 जोड़ों का विवाह हुआ है। पूरा यज्ञ चला, 9 दिन भागवत कथा चली और आज उसकी पूर्णाहुति, यज्ञ की भी पूर्णाहुति आज और विवाह भी आज अंतिम दिन।
मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। यात्री से भरी बस का स्टीयरिंग हुआ फेल, पुलिया से नीचे जा उतरी तेज रफ्तार सवारी बस, 10 यात्री घायल, पेंड्रा के जडगा से कोरबा आ रही थी बस। कोरबा में कटघोरा थाना के जडगा चौकी क्षेत्र में एक सड़क हादसा सामने आया है। पेंड्रा से कोरबा जा रही जयश्री ट्रेवल्स की बस का जडगा के बजरंग नाला के पास स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे ड्राइवर का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और बस पुलिया से सीधे नीचे गड्ढे में जाकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार तकरीबन 10 यात्रियों को मामूली चोटें आई है, वहीं बस के हेल्पर को गंभीर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे। घटना के तत्काल बाद सभी घायल यात्रियों को जडगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हेल्पर को कटघोरा के CHC में दाखिल कराया गया है। सभी घायल यात्रियों का उपचार जारी है। अधिकतर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। कटघोरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बालको नगर थाना स्थापना दिवस व पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन समारोह पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के कर कमलों से हुआ संपन्न। कोरबा के बालको नगर थाना का उद्घाटन 25 मार्च सन 1985 को पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कर कमलों द्वारा किया गया था। बालको क्षेत्र का अधिकांश भाग वनों से आच्छादित है। थाना क्षेत्र में कुल 53 ग्राम हैं। थाना क्षेत्र में एल्यूमिनियम प्लांट व विद्युत प्लांट स्थित हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने से यहां अन्य राज्यों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। शहर में आपराधिक गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने हेतु थाना क्षेत्र में 268 CCTV कैमरों का जाल बिछाया गया है। बालको नगर थाना के नगरीय क्षेत्र की प्रत्यक्ष और तकनीकी निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं उप पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे की गरिमामयी उपस्थिति में पुलिस सहायता केंद्र एवं अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन बालको नगर के हृदय स्थल बस स्टैंड के पास किया गया, जिससे शहर के प्रवेश व निर्मत द्वार व मुख्य चौक चौराहों पर लगे 16 कैमरों का सीधा नियंत्रण पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से रखा गया है। थाना स्थापना दिवस के इस विशेष अवसर पर थाना क्षेत्र के गुंडा निगरानी बदमाश, जिनके विरुद्ध विगत 10 वर्षों से कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होने से उनके सदाचरण, सद्व्यवहार, सामाजिक सरोकार व उम्र को ध्यान में रखते हुए माफी में लाया गया है। आज आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर और उनके गरिमा में उपस्थिति में थाना बालको नगर अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह पुलिस सहायता केंद्र जो है CCTV कैमरे का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी होगा और आपने देखा होगा कि वो अत्यंत आधुनिक तरीके से बनाया गया है। ग्लास हाउस के पैटर्न पर 360 डिग्री उसके चारों तरफ को देखी जा सकती है, चारों तरफ निगरानी प्रत्यक्ष रूप से रखी जा सकती है। साथ ही तकनीकी के माध्यम से भी उसका निगरानी सिस्टम तैयार किया गया है। 16 जो कैमरे हैं डायरेक्ट जो है हमारे कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। साथ ही 268 कैमरे ऐसे हैं जो जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसका नियंत्रण भी हमारे पास है। अतः जो है इसके माध्यम से क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाई जा सकेगी। साथ ही जो है प्रत्यक्ष और तकनीकी नियंत्रण हमारे द्वारा उस क्षेत्र में की जा सकेगी। इस अवसर पर जो है हमारे द्वारा जो है गुंडा बदमाश और निगरानी बदमाश जो कि 6 लोग हैं, इनके अच्छे आचरण, सदाचार और सामाजिक सरोकार से संबंध होने के कारण इनको जो है आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इनको माफी बदमाश में शामिल किया गया है। अर्थात उनकी 10 वर्षों में किसी प्रकार का क्राइम उनके विरुद्ध नहीं होने की वजह से इनको माफी बदमाश में लाया गया है। साथ ही जो जब्त वाहन थे, जिनकी संख्या जो है 17 है मोटरसाइकिल, इनको प्रार्थी को बुला करके इनको सुपुर्द में दिया जा रहा है। माननीय न्यायालय का जो प्रकरण थे उनका निराकरण होने के पश्चात, साथ ही जो जब्त संपत्ति है इनका भी प्रकरण का निराकरण होने से जो 52 प्रकरण थे इसमें जो है सोने चांदी रुपये पैसे आदि जो जब्त किया गया था उनको भी उनके जो प्रार्थीगण हैं उनको बुला करके उनके सुपुर्द में की जा रही है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास, 1 BHK,
2 BHK, 3 BHK डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल्स सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG-4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट ₹500 जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियाबाद जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार, इसके अलावा OPD वार्ड 2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG-4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG-4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG-4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG-4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में होली बाजार सजकर तैयार, रंग गुलाल पिचकारियों के साथ नगाड़ा ढोल ताशा भी उपलब्ध। कोविड-19 के कारण हर्बल गुलाल की बढ़ी मांग। रंगों का त्योहार होली के लिए होलिका बाजार सजकर तैयार हो गया है। निहारिका क्षेत्र में लगी दुकानों में रंग गुलाल पिचकारियों की खरीदारी को लेकर बाजार में चहल पहल होने लगी है। बच्चों को लुभाने बाजार में मोटू पतलू, छोटा भीम, कार्टून नुमा पिचकारी बिक रहे हैं। वहीं इस बार
चाइनीज सामान मार्केट से गायब दिख रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लोग पक्के रंग की बजाय हर्बल रंग गुलाल की मांग ज्यादा कर रहे हैं। नगाड़ा के साथ ढोल ताशा भी बिक रहा है। कोरोना वायरस के चलते जीरो ही है, एकदम बिल्कुल लो। नहीं है, पहले जैसा नहीं है। सामान के रेट बहुत बड़ा, सामान तो वही है, कोई नया ऐसा खास कुछ नहीं है, एक दो आइटम छोड़ के राखी जीरो। दुकानें बहुत हो गई हैं, राखी यहाँ सब रो रहे हैं। चलो हाँ, हर बार बार की मांग है, लेकिन अभी मार्केटिंग ही कुछ नहीं है, मार्केटिंग तो बिल्कुल स्लो है। चल अब देखो, ऊपर वाले को डिपेंड करता है, लग तो नहीं रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि कोरोना अभी और अभी तो कलेक्टर साहब बोल दिए कि भाई 5 से ज़्यादा इकट्ठा होना नहीं है, तो सबको ध्यान में रख के अपनी लोग बात इंजॉय करेंगे, सबसे हम लोग के धंधे को बहुत प्रभाव पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर जारी है। ब्लूबर्ड स्कूल के पास तेज रफ्तार दो वाहन में भिड़ंत हो गई। हादसे में महिलाओं को चोट आई है। यातायात पुलिस के निर्देश के बावजूद शहर में तेज रफ्तार दो पहिया वाहन चलाने का दौर जारी है। कोसाबाड़ी मार्ग में ब्लूबर्ड स्कूल के पास दो वाहनों की भिड़ंत होने से वाहन में सवार युवक और दो महिलाओं को चोट लग गई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। शहर में लोग जल्दबाजी के चक्कर में तेज रफ्तार में वाहन चला रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। लोगों की जल्दबाजी जान के लिए आफत बन रही है। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, इस कहावत पर अमल करेंगे तो खुद सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी कोई हानि नहीं होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। निगम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों से वसूला 39,300 रुपए जुर्माना। अर्थदंड देने से किया इनकार, दर्ज हुई FIR। कोरबा में मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने व कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने वाले पर निगम अमले ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 39,300 रुपए का अर्थदंड लगाया। वहीं अर्थदंड देने से इनकार करने व अधिकारी कर्मचारियों से लड़ने पर उतारू एक व्यक्ति के खिलाफ सिटी कोतवाली को पत्र लिखकर FIR भी दर्ज कराई गई। कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है, संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। शासन प्रशासन द्वारा इस पर लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने, घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने व कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करने की अपील विभिन्न माध्यमों से लगातार की जा रही है। साथ ही विगत कई दिनों से निगम अमले द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर अर्थदंड भी लगाया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान, जैसे स्वतंत्र आवास, 1BHK, 2BHK, 3BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठिया बाद जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार, इसके अलावा OPD वार्ड 2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52,
ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे कोसाबाड़ी कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक। स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े-मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में पावर हाउस रोड कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT is the new MPEG 4 box जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल TV, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। वन विभाग के साथ किया कोबरा का रेस्क्यू, सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा रहा, नया दिशा निर्देश जारी। वन विभाग के दिशा निर्देशों के तीसरे दिन भी स्नेक रेस्क्यू टीम लगातार वन विभाग के साथ जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सांपों को रेस्क्यू कर रिलीज कर रही है। रेस्क्यू करते समय का फोटोग्राफी और रिलीज करते समय का फोटोग्राफी वन विभाग अपने पास रिकॉर्ड में रख रही है, साथ ही लोगों को सूचना भी दे रही है कि आपके घर सांप निकलने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानकारी दे, किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा रेस्क्यू करते देख तुरंत उसको मना करे। स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी वन विभाग के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य लगातार कर रहे हैं, जिससे सांपों को हानि न हो और पर्यावरण का संतुलन बने रहे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।